राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़लाल मीणा बस्सी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा में भाषण देने पहुंचे थे। सब कुछ निर्धारित कार्यक्रम के तहत चल रहा था, लेकिन जनसभा में प्रत्याशित भीड़ नहीं पहुंची। जनसभा में भीड़ कम देख किरोड़लाल मीणा भड़क गए और उन्होंने मंच से ही भीड़ को लाने वाले वाहन चालकों की भी क्लास लगा डाली। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। पहले चरण का चुनाव आगामी 19 अप्रैल को होना है, जिसको लेकर नेताओं का तूफानी दौर चल रहा है और सभा में भीड़ उठाने के लिए कार्यकर्ता एडी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं और भीड़ कम होने पर राजनेताओं का पारा भी सातवें आसमान को छू रहा है। हालांकि प्रदेश में इन दिनों सूरज तप रहा है। हाल ही में बस्सी विधानसभा में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पर जब जनसभा में भीड़ कम देकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़लाल मीणा भड़क गए, जनसभा में भीड़ कम देकर आग बबूला हुए किरोड़लाल मीणा ने कार्यकर्ताओं को जमकर खड़ी बोली सुनाई और भीड़ को लाने वाले वाहन चालकों की भी क्लास लगा डाली। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि किरोड़लाल मीणा मन से ही कार्यकर्ताओं से भीड़ को लाने वाले वाहनों के बारे में पूछ रहे थे कि कितनी गाड़ियां किराए पर ली थी और अभी सभा में कितनी गाड़ियां खड़ी हैं। इसी को लेकर मीणा नाराजगी जाहिर करते हुए बिना भाषण दिए ही मंच से नीचे उतर गए। मंच से कार्यकर्ता और प्रभारियों को गुस्सा निकालते हुए किरोड़ मीणा ने लोगों से कहा कि नहीं दे रहा भाषण, अब जाओ अपने अपने घर। उनका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इसी क्रम में एक वीडियो में मंच से ही किरोड़ मीणा सभा में ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि यदि यहाँ से बीजेपी नहीं जीतती है तो वे अपना मंत्री पद छोड़ देंगे और अगर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती महुआ से तो मैं मेरे मंत्री पद को त्याग दूंगा, तो मैं कसम है इस बात। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि यदि लोकसभा चुनाव में बीजेपी बस्सी से नहीं जीतती है तो क्या किरोड़लाल मीणा अपना मंत्री पद त्यागेंगे। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है किरोड़ी मीणा का यह वीडियो तब का है जब वे दौसा लोकसभा भाजपा प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा के समर्थन में बस्सी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा में गए थे और जनसभा में भीड़ कम होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए बिना भाषण दिए ही मंच से रवाना हो गए। आप भी देखिए मंच पर किरोड़ीलाल मीणा ने कैसे आग बबूला होते हुए मंच से उतर गए। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14 ये 26 लोग हैं। कहाँ गया वो लाने वाला कहाँ गया लाने वाला? कितनी गाड़ी आई है? दो। कितनी दी थी गाड़ी? कितनी गाड़ियों को पैसे दिए? अरे तय कितना हुआ है? 10 गाड़ी और 2 आई है। क्यों 10 गाड़ी की बहा करी थी आप लोगों? क्या हो गया? अब खेती का काम चल रहा है? खेती का काम चल रहा है? पागल बना रहे हो मेरे को? खाद तो खेत तो खाली पड़ा है, कहाँ चल रहा खेती काम? मैं चलू हंसमहल बकवास करते हो। अरे कौन है कृष्ण गोपाल? कृष्ण गोपाल कौन है? भटेरी का कहाँ है कृष्ण गोपाल? आप कितने लोगों को लाए? 4। गाड़ी कितनी है? एक में 4 ही आएंगे। बुला उन चारों को। कितने का वादा किया था? अरे इनको टारगेट कितना दिया था? न तो भटेरी बूथ पर 2 गाड़ी थी। अरे भटेरी बूथ से, अरे यार भाई साहब चालो ने यार, उन्हें बैठो ने कुछ खा लिया। ये कृष्ण और रामेश्वर शर्मा कौन से? ये मोबाइल से कौन सा बात कर रहा बीच में? अरे क्या नाम है आदमी? कहा है 4? यार भाई साहब चालो ने यार। और रामेश्वर शर्मा कहा है? हालांकि द नगरी मीडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव 2024 में दौसा सीट पर तो कन्हैयालाल के लिए किरोड़लाल मीणा सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। ऐसे जहां सभाओं के में कन्हैयालाल मीणा की गैर मौजूदगी तो दौसा में चर्चा का विषय बनी हुई है ही, वहीं भीड़ कम होने पर भरे मंच से किरोड़लाल मीणा का आग बबूला होना कहीं बीजेपी को गहरी चोट ना पहुंचा दे। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए जानने के लिए लगातार आप बने रहिए द नगरी मीडिया के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।